प्रिय बहनों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज नया चैप्टर आयु के बारे में हम आपको बताएंगे। आयु क्या है? वास्तविक अथवा सदिश संख्या क्षेत्र से वास्तविक संख्याएं होती हैं और सदिश संख्याएं आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। वास्तविक अथवा सदिश संख्या के क्षेत्र से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों की आयताकार सारणी जिसे पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित किया गया हो वो आयु कहते हैं। एक आयु है जिसका क्रम m गुणा n है। प्रतीकों का प्रयोग करके निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ये कोई आयु है a m गुणा n, ये ऑर्डर या कोटि कहलाती है इसकी m गुणा n। यहाँ m पंक्तियों को और n स्तंभों को प्रदर्शित करेगा। a1 1, a1 2, a1 3 है, a1 है, ये एक पंक्ति है। क्षैतिज सब पंक्ति है, ऊर्ध्वाधर सब स्तंभ है। यहाँ पर m पंक्ति है, n स्तंभ है, जिनके अवयवों को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इस आयु के अंदर अंतर्गत a1 1, a1 2, a1 3, a1 n, यानी पहली पंक्ति के ये सब अवयव है a1 1, a1 2, a1 3, a1 n। ऐसे a2 1, a2 2, a2 3, a2 n, a3 1, a3 2, a3 3, a3 n, ऐसे हम a4 1, a5 1 ऐसी और पंक्तियाँ लिख सकते हैं। बीच में m भी पंक्ति आ गई हमारी m1, am2, am3, am, ये m बाई n बोलते हैं इसे, या m बड़ा n क्रम का ये आयु है। अब हमने बताया था, पहले बताया और आपको ये स्पष्ट कर देते हैं। अब हमने मान लो कोई aij लिख दिया ऐसे करके, इसका मतलब ये है आई है पहली वो पंक्ति को प्रदर्शित करेगी और जे हमेशा स्तंभ को प्रदर्शित करेगी। aij आई स्तर टू 1-2 से लेके m तक है इसमें, और जे 1-2 से लेके m तक है, वो उस आयु के अवयव कहा जाता है। ये सब इसमें अवयव हैं, इस आयु के अंतर्गत जो लिखे ये सब अवयव हैं। इस आयु के अवयव कहा जाता है अवयव ए आई जे के पादांक के लिए पादांक बोला जाता है। आई और जे को पादांक बोला जाता है। पादांक आई पंक्ति के लिए तथा जे स्तंभ के लिए प्रदर्शित किया कह सकते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। पंक्तियों के लिए कहा जाता है आई और जे के लिए स्तंभ के लिए प्रदर्शित करते हैं। इस आयु को ए आई जी के रूप में भी प्रदर्शित या प्रकट किया जा सकता है। मान लिया हमने 2x3 क्रम का, 2x3 का मतलब है दो पंक्ति होंगी और तीन स्तंभ होंगे। ये दो पंक्तियाँ हैं, ये तीन स्तंभ हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे ये वाला स्तंभ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्ति, ये पंक्ति क्षैतिज, ये स्तंभ ऊर्ध्वाधर वाला। स्तंभ खंभा से भी समझ सकते हैं, तो ये कढ़ाई होता है खंभा, ऊर्ध्वाधर होता है, इसलिए इसे स्तंभ बोलेंगे, क्षैतिज पंक्ति को बोलेंगे। तब a11 = 2, a12 = 3, a13 = -5, a21 = 4, a22 = 3, a23 = 1। कहने का मतलब यह है पहली पंक्ति का अवयव पहला यह है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यह है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यह है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3 और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 8। पंक्तियाँ हमारी क्षैतिज और तीन स्तंभ है, ये ध्यान रखेंगे। जिनके हो गया 2x3, इस तरह से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको आयु के प्रकार। पहला है क्षैतिज आयु और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो क्षैतिज आयु कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें दो पंक्तियाँ और तीन स्तंभ हैं। ये दो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं और तीन ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर देखते हैं तो स्तंभ हो जाते हैं, वो क्षैतिज देखते हैं तो पंक्ति हो जाती है। इसमें दो पंक्तियाँ और तीन स्तंभ हैं। जैसी परिभाषा में दिया है कि ऐसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, पंक्ति दो हैं, स्तंभ तीन है, ये
कहते आ रही है क्योंकि इसमें दो पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं। इसी प्रकार नंबर दो ऊर्ध्वाधर अनुक्रम वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा अनुक्रम जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो ऊर्ध्वाधर अनुक्रम कहलाता है। आपने उदाहरण ले लिया ए बी सी डी है, इसमें तीन पंक्तियां आ देखो ए बी मान ये एक पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति और इसमें एक स्तंभ ये एक स्तंभ ये यानी कि तीन इसमें पंक्तियां हैं और दो स्तंभ में जैसा परिभाषा किया है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो, यहाँ पंक्तियां तीन और स्तंभ दो हैं इसलिए ये आवयुद्वारा आवयुद है क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है। तीसरा है वर्ग आवयुद, वर्ग से तो आप समझते हैं चार बजाय बराबर होना चाहिए वही वर्ग कहलाता है, इसी प्रकार से यहाँ आवयव बराबर होना चाहिए तो ये दो बाय दो का है आलू ए बी सी डी, इसमें दो ही पंक्तियाँ दो स्तंभ हैं, इसमें तीन पंक्तियाँ और तीन स्तंभ हैं, ऐसे चार पंक्तियाँ चार स्तंभ का ले सकते हैं, पांच पंक्तियाँ पांच स्तंभ। वर्ग का मतलब यहाँ पर जितनी पंक्तियाँ उतने स्तंभ होने चाहिए वो आलू वर्ग आलू कहलाएगा। तो इसमें दो बाय दो कम से कम होना चाहिए, दो पंक्तियाँ और दो स्तंभ, तो ये वाला हमारा दो बाय दो क्रम का और ये तीन बाय तीन क्रम का बदल आलू। चौथा आ रहा पंक्ति आलू, ऐसा आलू जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आलू कहलाता है, जिसमें एक पंक्ति है तीन स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है चार स्तंभ है, तो ये एक बाय तीन और एक बाय चार क्रम की पंक्ति आलू है। स्तंभ आलू ऐसा आलू जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आलू कहलाता है, जिसमें केवल एक स्तंभ है इसमें तीन पंक्तियाँ इसमें दो पंक्तियाँ, ये क्रमशः तीन बाई एक और दो बाई एक क्रम के स्तंभ आवयुद है। शून्यालिप्त आवयुद, इसके नाम से ही पता लग रहा है शून्य, यानी ऐसा आवयुद जिसका प्रत्येक अंग शून्य हो शून्य आवयुद कहलाता है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं जीरो जीरो जीरो, ये एक पंक्ति तीन स्तंभ एक बाई तीन क्रम का शून्य आवयुद है, ये तीन बाई तीन क्रम का शून्य आवयुद है, इसका प्रत्येक अवयव शून्य है इसलिए ये क्या है शून्य आवयुद। इकाई किया तो समकालीन, इकाई का मतलब समझना है एक होना चाहिए इकाई में कैसे, ऐसा वर्ग आवयुद वर्ग आवयुद इसकी शर्त है वर्ग आवयुद, ऐसा वर्ग आवयुद जिसके अग्र या मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई तथा शेष सभी अवयव और ये तीन बाय तीन क्रम का इकाई या तस्मा का है। अब अगला विकर्ण आदमी, ऐसा वर्ग आदमी जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, ये पिछले वाले की शर्त नहीं है कोई इकाई का इसलिए यहाँ विकर्ण नहीं देखते, यहाँ कुछ संख्या हो सकती है मुख्य विकर्ण में लेकिन और शेष अवयव शून्य होने चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं इकाई तस्मक समझते हैं बन ये इकाई तस्मक लिख सकती है विकर्ण आवयव कहलाए कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो कोई संख्या हो सकती है मुख्य विकर्ण में कोई संख्या हो बकाया शेष अवयव शून्य हो, यहाँ संख्या जरूर होनी चाहिए मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई, तो वो विकर्ण आवयुद कहलाता है। अधिश आवयुद ऐसा वर्ग आवयुद जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, बराबर से मतलब एक से होने चाहिए, दो दो हैं तो दो दो हों, तीन हों तीन तीन हों, चार चार हों एक एक हों, एक से हों बराबर हों समान हों वो वाली अवयव शेष सभी अवयव शून्य हों, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हों, मुख्य विकर्ण में जो अवयवों को बराबर हों एक से हों तब वो अधिश आवयुद कहलाता है। उप आवयुद किसी दिए गए आलू की कुछ पंक्तियों और स्तंभों को निकालने या छोड़ देने पर शेष बचे आलू को दिए गए आलू को उप आवयुद कहते हैं, जैसे ये आवयुद जो है वो इस आलू का उप आवयुद है क्योंकि इस आलू से पहली पंक्ति और पहले स्तंभ छोड़ने पर जो बचा है वो भी लिखा है, तो ये आवयुद इस आलू का उप आवयुद है।
आयु 1 2 3 9 और आयु 5 4 8 6 2 7 3 9 की पहली पंक्ति एवं पहले स्तंभ को निकाल देने से प्राप्त उपाभि हो, यानी ये आयु इस बड़े आयु का उपाभि हो, क्योंकि इससे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया है। तो बड़े से छोटा बने उप का मतलब ही यही छोटा, तो इस आयु का ये उपाभि है क्योंकि इसमें से पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दिया है। त्रिभुजीय आलू, दो तरह के त्रिभुजीय आलू होते हैं, ऊपर त्रिभुजीय आलू और निम्न त्रिभुजीय आलू। ऊपर त्रिभुजीय आलू में क्या है, एक ऐसा वर्ग आलू जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, ऊपर त्रिभुजीय आलू कहलाता है। 5 4 1 0 3 2 0 0 1 ये मुख्य विकर्ण है, जो है इसके नीचे के अवयव सब शून्य। निम्न त्रिभुजीय आलू में ऐसा वर्ग आलू जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, मुख्य विकर्ण आलू है इसके ऊपर के अवयव सब शून्य। तुलनात्मक आयु, दो आयु ए तथा बी तुलनात्मक कहलाती हैं कि दोनों की पंक्तियाँ तथा स्तंभों की संख्या समान है, अर्थात दोनों एक ही रंग के हों। इसमें ये अवयव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्रम इनका 2/3 है दोनों का, ये और भी दोनों तुलनात्मक आयु है, समान आयु, दो आयु समान आयु कहलाती हैं, दोनों के क्रम समान हो और अवयव भी समान हो, यह अवयव की संख्या समान है, यह अवयव समान है, ये ध्यान रखना है। 2 4 6 8 इसमें 2 4 6 8 यानी क्रम भी समान है 2/2 और अवयव भी समान है, इसलिए एक तभी समान आयु है। आयु का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी आयु एक ही पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आयु को आयु ए का प्रकट कहते हैं, इसे ए ए ऊपर की लिखती है या ए से प्रदर्शित करती है। और ए मान आपने 1 2 3 4 5 6 इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया तो ये एडेस हो गया इसका। अगला सम्मित आयु, ऐसा वर्ग आयु सम्मित आयु कहलाता है जिसमें एडेस बराबर ए हो, ऐसा आयु जो ए डैश बराबर ए हो, ये माना इसका डैश करेंगे पंक्ति को स्तंभ बंद नहीं किया जाएगा, यानी ए बराबर ए डैश आ गया या ए डैश बराबर ए कह सकते हैं, तो ऐसा आयु सम्मित आयु कहलाता है। विषम सम्मित आयु इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक वर्ग आयु विषम सम्मित आयु कहलाता है यानी ए डैश बराबर माइनस, हमने माना ए बराबर 0 2 -2 ए डैश करेंगे कि पंक्ति इसको स्तंभ स्तंभ बनाएंगे, ये 0 2 पंक्ति से 0 2 स्तंभ बनाएंगे, -2 0 पंक्ति से -2 स्तंभ बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया। आयु में जब कॉमन लिया जाता है तो सभी अवयवों में से कॉमन लिया जाता है, प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेंगे तो लिया जाएगा ए डैश बराबर माइनस है, ये एक ही बराबर है। संपूर्णाकार आयु ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक आयु ए संपूर्णाकार आयु कहलाता है यदि ए डैश ए बराबर आए, जहाँ ए डैश आयु ए का परिवर्त है, इनमें से ले सकते हैं उदाहरण ए का ए डैश का गुणा करके गुणा हमने सिखाया गया इसलिए हम इसका उदाहरण मिलता है। उदाहरण है अभिक्रमणीय वर्ग आयु सुंदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग आयु जिसके संगत प्राणि का मान शून्य अभिक्रमणीय वर्ग आयु कहलाता है, अर्थात पाड़ी बराबर शून्य, ये कोई हमने आयु माना तो एक दो एक इसकी गुणा की ऐसे गुणा करते माइनस जिसके संगत सारणी का मान शून्य ना हो, विक्रमणीय वर्ग आयु कहलाता है, जैसे 2 0 0 1 -0 0 -0 अब यहाँ जो हमने लिखवाया अभी ए डैश बराबर ए बराबर आयु, अभी हम आपको जोड़ना घटाना गुणा करना कल की कक्षा में बताएंगे, आज की ये जानकारी इतना ही है कि आप सब परिभाषाओं को याद करके लिखें और इनके उदाहरण समझें, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में केवल ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन बताइए कौन सा वर्ग आयु अविक्रमणीय है, कौन सा वर्ग आयु विक्रमणीय है, कौन सा सम्मित है, कौन सा विसम्मित है, कौन सा जीरो है, कौन सा पंक्ति आयु है, कौन सा विकर्ण आयु है, कौन सा सदिश आयु है, जितने मैंने आज पर वाचा लिखवाई
का ये उदाहरण दिया होगा और पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि ये कौन सा आयु है। तो आज का गृह कार्य इतना ही है कि आप इनको परिभाषाओं को ढंग से याद करें, इनके उदाहरण ले लिख के देखें और अपनी कॉपी पे फिर कॉपी पे इनको सही से उतारें। कल की कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।